Assalamualaikum to all YT friends, welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे. तो आज मैं एक और शर्ट का जो है ड्रेस का रिव्यू देने आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस स्टिचिंग हुआ था. तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए प्रिंटेड फैब्रिक को, या आप प्रिंटेड सूट को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं. बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है. अच्छा, इसमें टिशू का यूज़ किया गया है, लेसिस का यूज़ किया गया है, पैच पट्टी का यूज़ किया गया है, और टिशू को किस तरीके से यूज़ किया है वो भी आपको बताते चले. लोग जो है मोस्टली सिंगल टिशू में प्लेयर्स डालते हैं, जो कि बाद में वो ख़राब हो जाता है, लेकिन मैंने डबल टिशू में प्लेयर्स डाली हैं. और इसी तरीके से लेस को गुम लेस लगा के तरपाई करवाई थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी. ठीक है, अगर सिंगल टिशू लगाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. डबल टिशू के साथ बहुत मजबूती आ जाती है. पैच पट्टी को आप इस तरीके से चाक्स पर यूज़ करें, अगर ज़्यादा है तो फ्रंट बैक पर दोनों पर लगवाएँ, लेकिन ये बहुत कम थी तो मैंने जस्ट फ्रंट पर जो है पैच पट्टी का यूज़ किया है, जो कि बहुत अच्छी लुक दे रही थी. ठीक है, और इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो टिशू है उसको भी इस तरीके से लगाएंगे साइड्स पे, वो जो है एक्स्ट्रा कपड़ा ना नज़र आए, गुम सिलाई में वो भी तरपाई के साथ अंदर हो जाए. ठीक है, और इसके अलावा जो है प्लेट्स जो हैं वो आप जिगजैग भी डाल सकते हैं, लाइंस में भी सिंपल डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके से प्लेट्स डालना चाहते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सी प्लेट्स डाली है जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं. लेस लगाने के बाद और टिशू लगाने के बाद मैं सिलाई भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने तरपाई करवाई है. ठीक है, तरपाई में बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा सफाई आती है, अगर सिलाई लगाएंगे तो वो थोड़ी थोड़ी चुनर्स आ जाती हैं. जो टिशू है ये लगा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है. इसी तरीके से आप दामन पर भी टिशू लगवाएं, ठीक है, और ये गुम सिलाई ज़रूर लगवाएं, क्योंकि गुम जब ये अलग से पट्टी लगती है ना लेस के, लेस जो है अंदर आ जाती है. ठीक है, अलग लेस जो चाक के अंदर वाली साइड पे नज़र आए ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. गुम पट्टी के साथ लेस को लगवाएं, टिशू को भी इस तरीके से लगवाएं, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाती है. बैक साइड जस्ट लेस लगाई थी, टिशू का ऐड नहीं किया. अच्छा ठीक है, इसके अलावा आपको बताते चलेंगे जो टिशू है सेम ही इसी तरीके से जो डिज़ाइन करें आप स्लीव्स पर भी, दामन पर भी. और ठीक है, अब हम आते हैं स्लीव्स पर. बहुत ही प्यारे स्लीव्स लग रहे थे, ये भी टिशू में इसी तरीके से सिंपल सी प्लेट्स डाली हैं. ठीक है, और लेस का यूज़ किया है, सिंगल लेस है, इसमें कोई दो से तीन डिफरेंट लेसेस का यूज़ नहीं किया. इसी तरीके से प्लेट्स डाली हैं, जिगजैग प्लेट्स आपको मैं बता रही हूँ, पहले भी बताया है, चेक स्टाइल में भी प्लेट्स डाल सकते हैं. इसके अलावा स्लीव में भी डबल टिशू का मैंने यूज़ किया है, टिशू के साइड पर भी जो अपनी अंदर वाली साइड पर मैंने तरपाई करवाई है. ठीक है, ताकि जो टिशू है वो बाद में ना निकले, क्योंकि अगर सिंगल टिशू लगाएंगे तो वो निकल जाता है, डबल टिशू से बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाती है. आप प्लेट्स डालें फ्रंट जो ऊपर वाला जो आपके मतलब सीधी साइड पे जो टिशू आ रहा है उसमें प्लेट्स डालें, जो अंदर वाला साइड का टिशू है उस पर प्लेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है. इसी तरीके से इस कमीज़ पर मैंने तरपाई करवाई थी, सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिलाई के साथ सफाई नहीं आती, क्योंकि टिशू का यूज़ था, लेसिस का यूज़ था. इसी तरीके से मैंने स्लीव्स पे प्लेट्स डाली हैं, टिशू में लेस का यूज़ किया है. आप चेक स्टाइल में भी डाल सकते हैं और जिगजैग स्टाइल में भी डाल सकते हैं, अपनी चॉइस है कि किस साइड किस तरीके से प्लेट्स डालना चाहते हैं. अगर हम आए गले पे तो गले पे सिंपल लेस का यूज़ किया गया है. ठीक है, यही लेस जो है स्लीव पे भी लगाई है, दामन पे भी लगाई है, और इसी तरीके से गले पे भी इसको डिज़ाइन किया है. जो टिशू और स्लीव्स में टिशू का यूज़ किया है, टिशू को अगर हम नेक डिज़ाइन में यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा फैंसी टाइप हो जाना था ड्रेस, लेकिन हम कैजुअल बनाना चाह रहे थे तो उसमें हम जस्ट लेस जो है वो वी स्टाइल में और फ्रंट पे जो पट्टी की तरह जो है लेस का यूज़ किया है. लेस बहुत ही प्यारी लग रही थी लाइट ग्रे कलर में. और इसके अलावा जो बटन यूज़ किए हैं, बटन का भी ड्रेस के अंदर कलर है डार्क ग्रे ब्लैक टाइप, उसी के साथ मैच करके हमने बटन का यूज़ किया है. लेस बहुत नाइस सिंपल सी लग रही थी, मतलब कोई हैवी लुक नहीं आई थी. अगर हम लेस के साथ टिशू का यूज़ करते ना तो वो बहुत थोड़ा सा हैवी हो जाना था, थोड़ा कैजुअल से हट जाना था. ठीक है, इसी तरीके से आप अपना गला सिंपल सा बना सकते हैं, अगर आप बे गला बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, अगर आप बैंड रखना चाहें तो उस पर भी इस तरीके से लेस का यूज़ कर सकते हैं. अगर हम गले की बात करें, गले पे किस तरीके से लेस लगाई गई है और स्लीव्स पे किस तरीके से लेस लगाई गई है, स्लीव पे भी गुम कपड़े के अंदर ही हमने लेस को ऐड किया है और टिशू को भी. और अगर गले की बात करें तो सिंपल हम लोगों ने पहले वी गला बना लिया था, लेकिन जो लेस थी उसको हम लोगों ने फ्रंट पे पट्टी की तरीके से भी लेस लगाई है. ठीक है, फ्रंट से डिज़ाइन किया है. आप देख सकते हैं कि आप इस गले को सिंपल सिलाई के साथ बनाएं, तरपाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर लेस लगनी है, लेस में कवर हो जाएगा, लेकिन अगर लेस ना लगाए तो हम गले पे तरपाई करते हैं. ठीक है,
आप इसको अगर चाहें तो वी स्टाइल में भी शेप दे सकते हैं और सिंपल चौरस में भी दे सकते हैं, गुलाई में भी बना सकते हैं लेस को, ठीक है। अब लेस जो हम लोगों ने ये लगाई है ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। अगर आप चाहें तो बटन थोड़े ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़े कम यूज़ किए क्योंकि ये मेरी मम्मा का ड्रेस था, इस वजह से हम लोगों ने जो है इसको सिंपल ही करना चाहा है, ठीक है। मेरी मामा का ये होता है कि बहुत लाइट सा ड्रेस हो, हैवी ड्रेस बिल्कुल भी ना हो। ये जो पैच पट्टी थी ये उनको बहुत पसंद है, उनका दिल था पैच पट्टी को ही डिज़ाइन कर लिया जाए, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना टिश्यू का, लेस का, पैच पट्टी का यूज़ करके ड्रेस को खूबसूरत बनाया जाए, ठीक है। अब ये जो टिशू है ये डबल टिशू किस तरीके से लगाना है ये अपने टेलर से मशवरा ले सकते हैं। डबल टिशू जो उल्टी साइड का जो टिशू होगा उसमें प्लेट्स नहीं होंगी, ठीक है। और उसको जो तरपाई के अंदर कवर किया गया है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, इससे टिशू जो है वो निकलेगा नहीं, टिशू बहुत ज़्यादा मजबूती से हो जाता है। साइड पे जो फैब्रिक है उसको तरपाई करेंगे तो बिल्कुल भी फ्रंट से नज़र नहीं आएगा। और इसके अलावा जो टिशू फ्रंट वाली साइड होता है ना उसके अंदर आपने प्लेट्स डालनी है। इसी तरीके से जो लेस है उसको भी हमने गुम सिलाई में लगाया है, टिशू को भी गुम सिलाई में लगाया है, जिससे बहुत ही प्यारा जो है ड्रेस हमारा रेडी हुआ था बहुत ही सफाई के साथ। और इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त आइडियाज़ लेके आती हूँ, बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आपका हक बनता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छा सा कमेंट करना। और इसके अलावा आपको ये ड्रेस कैसा लगा, इसके साथ हमने सिंपल ट्राउज़र रखा है और दुपट्टे पे बारीक से शेटल लेस लगाई है, ठीक है। आप इस तरीके से अपना दुपट्टा भी रेडी कर सकते हैं, अगर आप ट्राउज़र रखना चाहें, कैप्री रखना चाहिए, आपकी अपनी सिलेक्शन है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस डिज़ाइन पर होनी चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।